मेरे लिए और अभी तो रुकने का टाइम नहीं है, बहुत ही आगे जाना है, तो इसलिए पता है मेरे को बहुत लेट वीडियो आ रहा है। हाँ, इसलिए जितना गाली हो सके आप दे सकते हो मेरे को, क्योंकि बहुत ही लेट वीडियो आ रहा है। मेरे को पता है बहुत ही बिजी था मैं इन दिनों में, लाइक 6 मंथ इसके इसलिए वीडियो लेट आ रहा है। इसलिए मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ आप सभी के सामने। तो आज के वीडियो में अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ DJI Mini 2 का, और इसका रिव्यू भी करेंगे। तो ये ड्रोन मेरे पास लगभग 2-3 महीनों से पड़ा हुआ है, मैं यूज़ भी कर रहा हूँ थोड़ा बहुत, बट क्या है कि टाइम नहीं मिला था कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाने का, तो मैंने टाइम निकाल के इसका वीडियो मैं अभी बनाने वाला हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे लगे, तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, जो चाहिए मोर टाइम। सो गाइस, ये रहा DJI Mini 2 का बॉक्स, और ये है फ्लाई मोड कम्बो वाला बॉक्स, ये नॉर्मल वेरिएंट वाला बॉक्स नहीं है। तो इसके अंदर आपको ड्रोन के साथ और भी बहुत सारे अदर देखने को मिलेंगे, क्योंकि हम अभी इसको अनबॉक्स करेंगे और देखेंगे क्या क्या एक्चुअली मिलता है हमको इस बॉक्स के अंदर। तो जैसे ही हम बॉक्स खोलते हैं आपको कुछ इस टाइप का एक बैग देखने को मिलता है। बॉक्स को साइड में रखूंगा, देखेंगे एक्चुअली इस बैग के अंदर हमको क्या मिलता है। तो बैग का टेक्स्चर की बात करें तो इस बैग का बहुत ही अच्छा टेक्स्चर है ऊपर, और ये फुल्ली मेरे को फोम का लग रहा है और बहुत ही प्रीमियम सा लुक दे रहे हैं। एक शोल्डर बैग है, तो इसको मैं कुछ ऐसे टाइप से ओपन करूंगा, इधर से जो चेन मिलते हैं हमको, और जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। और उसके अंदर पहले तो आपको देखने को मिलेगा एक कंट्रोलर, जो कि बहुत ही बेसिक DJI का कंट्रोलर है, इसको मैं अभी के लिए साइड में रखता हूँ। उसके अलावा बैग के अंदर हम लोगों को मिल रहा है एक 2-way चार्जिंग हब, तो इसको आप एक पावर बैंक की तरह भी यूज़ कर सकते हो और अपने बैटरीज को चार्ज करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर आप एक्चुअली आपको 3 बैटरीज देखने को मिलता है, क्योंकि फ्लाई मोड कम्बो है। और उसके साथ हम लोगों को ऑब्वियसली मिलेगा अपना ड्रोन, जिसको मैं अभी के साइड में रखूँगा एज ऑब्वियस। और उसके अंदर हम लोगों को मिलेगा और बहुत सारे एक्सेसरीज, जो कि रहा इधर मैं एक एक करके आपको बताऊँगा क्या क्या मिल रहा है आपको। और आपको मिल रहा है एक लीफलेट लाइक दिस, तो इसके अंदर आपको बहुत सारे पेपर हुआ कि मिलेंगे आई थिंक सो। इसको मैं अपने साइड में रखता हूँ और देखता हूँ बैग के अंदर और कुछ मचा तो नहीं गया। हाँ, एक बहुत ही अनोखा चीज़ हमको इसके अंदर मिल रहा है, जो कि अभी किसी भी स्मार्टफोन के तरह नहीं आता है, जो कि प्रीमियम रेंज में आता है। इसके साथ आपको अभी ये महंगा वाला चीज़ नहीं मिलता है, मतलब समझ सकते हो कितना अहमियत है इसका। तो ये रहा एक 5 वोल्ट 3 एम्पियर्स का पावर एडाप्टर, जो कि आपको कोई भी काम में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें आपको मिल रहा है USB है, तो आपको एक USB to Indian Pin एडाप्टर यूज करना पड़ेगा, तो ये कोई काम का नहीं है। एंड आई थिंक 95% पीपल यूज नहीं करेगा इसको। तो उसके साथ और कुछ नहीं बचा है बैग के अंदर। हाँ, और एक चीज भी बच गया है, तो ये रहा एक बैग के अंदर आपको ये स्पॉन्ज मिल रहा है। आई थिंक इसका जो फ्रंट सेक्शन को है ये प्रोटेक्ट करने के लिए है, तो अभी मैं इसको रख देता हूँ साइड में। और उसके साथ आपको एक सिलिका जेल मिल रहा है, इसको आप निकल मतलब इसको आप पानी में घोल के खाने के लिए आपको मिल रहा है ये सिलिका जेल, ओवियसली मत खाना, मैं ऐसे ही जोक के लिए कह दिया। तो इधर आपको मिल रहा है पहले तो एक Type-C to Type-C एडाप्टर फॉर कनेक्टिंग इन Type-C फोन विद दिस कनेक्टर, और एक मिल रहा है आपको Type-C to Micro USB कनेक्टर फॉर कनेक्टिंग एनी Micro USB टाइप फोन विद दिस, और उसके साथ ऑब्वियसली एक चार्जिंग केबल मिल रहा है, ये काम का चीज़ है। ये आपको मिल रहा है Type-C to USB केबल, इससे आप डेटा ट्रांसफर भी कर सकते हैं आसानी से हाई स्पीड में, आई होप सो। उसके साथ आपको मिल रहा है 3 प्रोपेलर एक्स्ट्रा मिल रहा है देखने को इसके साथ, तो इसको अभी मैं साइड में रखने वाला हूँ। और उसके साथ आपको मिल रहा है 2 कंट्रोलर स्टिक्स, और मिल रहा है आपको एक ऐसा टाइप का स्क्रू ड्राइवर फॉर चेंजिंग योर प्रोपेलर्स। तो आप आते हैं ड्रोन की तरफ आएंगे, उसके पहले देख रहे थे कंट्रोलर को, तो कंट्रोलर बहुत ही सिंपल और अच्छा क्वालिटी का मिल रहा है। इधर आपको रबर हैंड रेस्ट भी मिल रहा है। ये रहा आपका एंटेना, जो कि आपका फोन होल्डर की तरह भी काम आएगा, इधर आप फोन को भी इजीली अटैच कर सकते हो कुछ ऐसे, और मैं खोल दे रहा हूँ। और इधर आपका जो वायर है इधर मिलेगा, और इधर डिफॉल्ट मेरे को देखने को मिल रहा है एक लाइटिंग केबल। आई थिंक आप देख पा रहे हो हर एक चीज में DJI Type-C केबल का यूज कर रहा है,
एंड अभी तक आपको आईफोन के साथ कोई भी टाइप सी सपोर्ट देखने को नहीं मिलता। सो गाइस इधर आपको देखने को मिल रहा है दो कंट्रोलर स्टिक्स और आपको देखने को मिल रहा है एक टाइप सी पोर्ट फॉर चार्जिंग दिस कंट्रोलर। बाहर निकालो कंट्रोलर स्टिक्स को, इस बॉल हेड पर लगा दो कुछ ऐसे, देन अपना फोन लो, इधर प्लेस करो। फोन में ऑब्वियसली DJI Fly वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखना, इससे आपको आसानी होगा बाद में। तो लाइटिंग केबल कनेक्ट कर दो, अगर आपके पास कोई भी एंड्रॉइड डिवाइस है देन आपको DJI जो वेबसाइट है उससे डाउनलोड करना पड़ेगा, और अगर आपके पास आईफोन है देन ऐप स्टोर में आपको मिल जाएगा DJI Fly ऐप। तो उसके बाद फोन में DJI Fly ऐप ओपन कर दो, एक सेकेंड रुको जरा, ये रहा DJI Fly ऐप, मैं ओपन कर चुका हूँ। हाँ तो DJI Fly ऐप कुछ ऐसे आपको ओपन होने हुआ देखने को मिलेगा। उसके बाद इधर आपको जो स्विच मिल रहा है पावर ऑन के लिए, इसको एक बार क्लिक करना, होल्ड करना देन प्लीज क्लिक करके। तो ये जो चार लाइट है ये बैटरी इंडिकेटर है कंट्रोलर के लिए, और उसके साथ आपको कनेक्शन में भी गाइड कर देगा। उसके साथ आपको देखने को मिलेगा एक टॉगल स्विच, जिसके अंदर आप पोर्ट नॉर्मल एंड सीनियर मोड में स्विच कर सकते हो। इधर एक आपको स्पीकर का भी साउंड, आई थिंक इधर स्पीकर है इसका। तो मैं आपको कहूँगा डेफिनेटली पहले बार जब हम इसको यूज़ करेंगे डेफिनेटली यूज़ करना सीने मोड, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा अच्छा कंट्रोल मिलेगा। तो जैसे आप पावर ऑन करेंगे इधर कनेक्शन गाइड करके आपको आएगा, इसको क्लिक करना, DJI Mini 2 को क्लिक करना, DJI Mini 2 को क्लिक करना, एंड इट विल ऑटोमेटिकली डिटेक्ट विद एंड कनेक्ट विद दिस कंट्रोलर। तो कंट्रोलर का बेसिक जो जो फीचर है मैं एक बार बता देता हूँ। इधर आपको देखने को मिल रहा है एक रिकॉर्ड बटन, जिससे आप इसको रिकॉर्ड में रिकॉर्ड कर सकते हैं कुछ भी, और एक तो आपको डिस्प्ले में देखने को मिल जाएगा। इधर आपको मिल रहा है एक स्विच बटन, जिससे कि आप कैमरा को वीडियो मोड के साथ फोटो मोड के अंदर स्विच कर सकते हो। इधर पावर ऑन एंड ऑफ बटन मिलता है, ये टॉगल मिल रहा है। इधर एक फंक्शन बटन मिलता है, इधर आपको एक लैंडिंग और पॉज बटन मिल रहा है, और इधर आपको एक गिम्बल कंट्रोलर बटन मिल रहा है, जिससे कि आप अप और डाउन कैमरा का मूवमेंट कर सकते हो एंड अपना जो लेवल है उसको सेट कर सकते हो। बस ये हो गया कंट्रोलर के बारे में। मैं अभी के लिए कंट्रोलर को साइड में रखता हूँ और सेट कर रहा हूँ मैं ड्रोन को सेट करने से पहले मैं बैटरी के बारे में जो फीचर्स है मैं इसको जल्दी से बता दूंगा आपको। तो बैटरी में आपको तीन बैटरी तो देखने को मिल रहा है, तीन कंपार्टमेंट में इस हब के अंदर। तो इसको आप दोनों वे में यूज कर सकते हो, इसको आप एक पावर बैंक के तरह यूज कर सकते हो और किसी भी फोन को आप चार्ज कर सकते हो। तो ये रहा तीनों 2500 मिली एम्पावर का बैटरी, और इससे आप इन तीनों को चार्ज कर ही सकते हो आसानी से इस टाइप सी पोर्ट के थ्रू, और इस यूएसबी इन पोर्ट आउट के पोर्ट के थ्रू आप किसी भी फोन को चार्ज कर सकते हो। इधर एक ऑन एंड ऑफ बटन है फॉर एनी अदर पार्ट बैंक और नॉट, और इसके थ्रू आप कितना बैटरी में चार्ज है ये भी एक बार चेक कर सकते हो। ये हो गया बैटरी पैक के बारे में सब कुछ। तो आप आते हैं ड्रोन के बारे में। ये ड्रोन बहुत ही मिनी साइज में है, मतलब नाम ही है DJI Mini 2, और ये बहुत ही छोटा है। अगर मैं इस कंट्रोलर भी इससे बड़ा है आप देख सकते हो, मतलब कंट्रोलर से भी छोटा है ये। तो अभी मैं इसका जो प्रोपेलर गार्ड है उसकी यूज ओपन करूंगा, और DJI तो कहते हैं प्रोपेलर गार्ड को हर टाइम यूज करने को, बट आई थिंक ये आपका प्रोपेलर का जो शेप है इसको डैमेज कर सकता है इन द लॉन्ग रन। तो अभी मैं इसका आर्म्स को ओपन करने वाला हूँ, कुछ ऐसे होगा आर्म्स ओपन, एक ऐसे और सेम टाइप में इधर भी एक ऐसे और एक ऐसे। तो ये हो गया आर्म्स इसका ओपन, और अभी इधर से स्टिकर्स को निकाल देते हैं। तो ये रहा गिम्बल और कैमरा इसके प्रोटेक्शन के लिए। इधर आपको एक ब्लैक एक्रेलिक का कुछ ऐसा टाइप का कवरिंग देखने को मिल जाएगा, और पीछे एक आपको कंपार्टमेंट मिलेगा, एक माइक्रो एसडी कार्ड भी रख सकते हैं इधर आप, और आप इसको चार्ज भी कर सकते हैं, टाइप सी पोर्ट मिलेगा और फाइल भी ट्रांसफर कर सकते हैं, तो भी और एक बड़ा सा पोर्ट मिलेगा इधर उसके पीछे आपको, जिधर या अपना बैटरी इंस्टॉल कर सकते माइक्रो एसडी कार्ड को इंस्टॉल कर रहा मैं। तो मैं इसको कुछ ऐसे इधर इंस्टॉल कर दूंगा। तो ये हो गया इधर इसका इंस्टॉलेशन, और जैसे ही आप सब कुछ इंस्टॉल करने के बाद इसका नीचे एक स्विच मिलता है आपको, इसको एक बार क्लिक करना देन टाइम लेके फिर होल्ड करना, क्लिक करके आपको एक मोटर में आवाज मिलेगा मोटर को घूमने का, उसके बाद एक ऐसा आवाज आपको सुनने को मिलेगा एंड योर ड्रोन विल बी रेडी टू फ्लाई। और ये जो गिम्बल आप देख सकते हो बहुत ही सेंसिटिव है, तो इसको ऑब्वियसली जब यूज नहीं कर रहे हो डेफिनेटली यूज इट कैप, ठीक है, गिम्बल और कैमरा पहले डैमेज होगा। और जैसे ही एयरक्राफ्ट ऑन हो जाएगा ऑटोमेटिकली
आपको फोन में इमेज देखने को मिल जाएगा, फोन कनेक्ट हो जाएगा, मेरा फोन कनेक्ट हो चुका है। ये जो स्टिक्स आपको देखने को मिलेगा कंट्रोलर स्टिक, इसको आपको डायगनल नीचे की तरफ मूव करना है और ये चालू हो जाएगा। मतलब पंखे का काम कर रहा है अभी, क्योंकि घर में पंखा नहीं चल रहा है, वीडियो कर रहा हूँ, साउंड जैसे क्लियर आए इसलिए पंखा को मैं अभी ऑफ कर दिया हूँ। तो आप देख सकते हो कि ये चालू हो गया है एंड लैंडिंग बटन क्लिक करोगे तो ये बंद हो जाएगा। तो अभी मैं इधर उड़ाऊंगा नहीं क्योंकि ये घर के अंदर है और घर में स्पेस बहुत ही कम है। तो बाहर जाके उड़ा के आपको दिखाता हूँ कैसा है एक्चुअली इसका एक्सपीरियंस और कुछ सिनेमैटिक शॉट्स लेने का कोशिश करता हूँ 15 मीटर हाइट से। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा है। कौन सा पोर्शन ज्यादा आपको अच्छा लगा है डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना। और अगर आपको लगता है कोई पोर्शन इस वीडियो का इम्प्रूव हो सकता था डेफिनेटली कमेंट में बताना, सो दैट मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी इम्प्रूव कंटेंट आपके सामने प्रेजेंट कर सकूं। सो गाइस पहले मैंने सोचा था कि इस वीडियो में ही मैं रिव्यू सेक्शन ऐड कर दूं, बट इससे ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता और आप भी बोर होते, तो इसलिए मैं थोड़ा टाइम लेके आपको नेक्स्ट वीक या 2 to 3 weeks के अंदर इसका फुल फ्लेजेड रिव्यू देने वाला हूँ, सो दैट आपको एक क्लियर और बहुत ही अच्छा आइडिया मिल जाए इस ड्रोन के बारे में और इसके अंदर क्या प्रोज और कॉन्स है। इसके लिए आपको पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाल बटन को ग्रे कर देना पड़ेगा, सो दैट आपको ये वीडियो जल्दी से जल्दी मिल जाए। आई थिंक बहुत लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि कितने में एक्चुअली मैं ये ड्रोन खरीदा हूँ। फॉर देम आई वॉन्ट टू से दैट आई बॉट दिस ड्रोन अराउंड 45,000 INR, जो कि बहुत ही कम है कंसिडरिंग इस करंट मार्केट प्राइस। तो इस प्राइस में मेरे को कैसे मिला ये जानने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो का ऑब्वियसली, और इसलिए मैं आपको अभी से बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर रखने को, सो दैट पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।